नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बीपीएससी की परीक्षा में बैठने वाले तमाम छात्रों के लिए, तमाम अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि का ऐलान कर दिया गया है, इसकी आधिकारिक घोषणा हो गई है और ये भी बता दिया गया है कि किस तारीख से इसकी परीक्षा होगी और कितनी पालियों में होगी, और ये भी बताया गया है कि इसके लिए एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा। सबसे पहले तो आप बीपीएससी की इस आधिकारिक सूचना को अपनी स्क्रीन पर देखिए, जिसमें लिखा गया है कि 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा दिनांक 21/9/2022 यानी कि बुधवार को 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक एकल पाली में आयोजित होगी, मतलब एक ही पाली में आयोजित होगी। आपको पता है कि परीक्षा के पैटर्न को बदले जाने के बाद बिहार में कितना हंगामा हुआ, छात्र सड़क पर उतर गए और लगातार इस बात की मांग करने लगे कि पुराने पैटर्न पर ही परीक्षा होनी चाहिए, जिसके बाद सरकार को भी झुकना पड़ा और सरकार ने वही किया जो छात्र चाहते थे, और यही कारण है कि इस परीक्षा को एक पाली में लिए जाने का ऐलान भी किया गया है। इसके आगे भी आप देखिए, लिखा गया है कि इस संबंध में आयोग के द्वारा दिनांक 1/9/2022 को प्रेस नोट जारी की जा चुकी है। ये परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की है। अभ्यर्थी 11 बजे पूर्वाहन तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लेंगे। इस परीक्षा का ई प्रवेश पत्र यानी कि ई एडमिट कार्ड आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 14/9/2022 को अपलोड कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अंतिम समय का इंतजार नहीं करेंगे। उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र आयोग के वेबसाइट यानी कि आपको पता है www.bpsc.bih.nic.in अथवा www.onlinebpsc.bih.gov.in से डाउनलोड कर परीक्षा में भी हिस्सा ले सकते हैं, मतलब डाउनलोड करने के बाद भी परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं। उम्मीदवारों को डाक से यानी कि बाय पोस्ट प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। देखिए, तो ऐलान हो गया है और इसमें जो बातें निकलकर सामने आई हैं वो वही बातें हैं जो छात्र चाहते थे। एक पाली में परीक्षा की मांग हो रही थी तो एक पाली में परीक्षा के लिए कह दिया गया है, और जो तारीख तय की गई है 21 सितंबर 2022 से ये परीक्षा 22 को ये परीक्षा होगी। परीक्षा का आयोजन एक ही शिफ्ट में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने जा रहे उम्मीदवारों को यह भी पता हो जाना चाहिए कि 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड 14 सितंबर को जारी होगा। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, bpsc.bih.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा पहले 20 और 22 सितंबर को 2 शिफ्ट में होने वाली थी, लेकिन अभ्यर्थियों के तीखे विरोध के बाद बिहार सरकार ने पहले की तरह परीक्षा एक ही शिफ्ट में करने का फैसला लिया। आपको पता है कि बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा पहले 8 मई को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक होने के चलते इसे रद्द करना पड़ा था। 802 रिक्त पदों के लिए कुल 6 लाख से अधिक आवेदन इस दौरान आए थे, और इस परीक्षा के दौरान क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई थी वो भी आपने देखा था, और किस प्रकार हंगामा हुआ था, किस प्रकार प्रदर्शन हुआ था, किस प्रकार ये मामला बहुत आगे तक बढ़ा, जिसकी जांच आज तक चल रही है, पेपर लीक का मामला था। लेकिन अब जो है इसको लेकर तिथि का ऐलान कर दिया गया है, इस पुनर्परीक्षा को लेकर, जो दोबारा ये परीक्षा की जा रही है उसको लेकर तारीख का किया गया है और बता दिया गया है कि 21 सितंबर 2022 को इसकी परीक्षा ली जाएगी। एक पाली में ही परीक्षा होगी, जो कि छात्र चाहते भी थे, और इसके लिए वो अपना एडमिट कार्ड वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।